सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको फ्री फायर मैक्स की हाई सेंसिटिविटी गोल्डन फाइल दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का शाउट आउट देते हैं। शाउट आउट देने वाले चैनल का नाम है लकीज प्ले, जिनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यहाँ से इनका चैनल भी विजिट करवा दूंगा। मैंने यहाँ से इनके चैनल को रीसेंट करके रखा हुआ है, तो मैं आगे सिंपली से इनके चैनल पर जाता हूँ। चैनल पर जाने के बाद मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लिया है। आप लोगों ने इनका चैनल को सब्सक्राइब करना है, इन्हें भाई को जाकर सपोर्ट करना है। तो बिना देरी की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने अप्लाई प्रोसेस की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आपको डाटा आरजीबी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जिस तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। यहाँ से मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप कर रहा हूँ। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर फ्री फायर मैक्स की हाई सेंसिटिविटी कॉन्फिग फाइल मिल जाएंगी। मैंने इनको पहले भी फोल्डर बना के रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से इन यूएफ वाले फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद मैं दोबारा इन फाइल को एक बार फ्री फायर के फाइल के ऊपर टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन शो होगा। ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको आपने सिंपली से यहाँ से टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैंने वीडियो में बता दिया, तो पासवर्ड वीडियो में लेटर वगैरह नहीं है, वो मैं एक ही बार में सारा पासवर्ड बता दूंगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि यार भाई आप पासवर्ड एक ही बार बता दिया करो यार, बार बार वो दो जो लेटर्स वगैरह कलेक्ट करने हैं वो बड़े हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने वीडियो में एक ही बार पासवर्ड बता दिया, लेकिन पासवर्ड की टाइमिंग जो थी वो थोड़ी सी कम है, तो आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ओके के बटन पे टैप कर देना। जैसे ही आप ओके के बटन पे टैप करोगे तो ऊपर की साइड पे आपको यहाँ से फाइल नज़र आ रही होगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चार फाइल्स नज़र आ रही होंगी, जिनमें आपको सबसे पहले DPI वाली सेंसी प्रो को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इसे कट कर रहा हूँ। जैसे मैं कट करूँगा तो ऊपर की साइड पर आपको यहाँ से टैप कर देना है। यहाँ पे FF सेंसिटिविटी का, यहाँ पे आपको डिवाइस मेमोरी का शो होगा ऑप्शन, आपको उस पर सिंपली से टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर शो होगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे ही आप एंड्रॉइड पे टैप करोगे तो यहाँ पे एक डाटा का फोल्डर शो होगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। मैं यहाँ से डाटा के ऑप्शन पर टैप कर रहा हूँ। टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, com.dts फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, चीज़ और फाइल। आपको यहाँ पे फाइल का फोल्डर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नहीं करना है। यहाँ पे आपको कंटेंट का फोल्डर सामने मिल जाएगा, आपको सिंपली से इस पर टैप कर देना है। टैप करते ही आपको यहाँ पे कंपलसरी का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप करना है। जैसे आप कंपलसरी के ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक एंड्रॉइड का फोल्डर मिलेगा, आपको इस फोल्डर पे भी टैप करना है। जिस तरह आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको गेम बंडल का फोल्डर मिल जाएगा, जिसको आपने सिंपली से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गेम बंडल के फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल नजर आ रही होंगी, जिनमें आपको ये फाइल यहाँ से पेस्ट कर देनी है। जैसे ही फाइल आपकी पेस्ट होगी तो आपकी DPI वाला फोल्डर यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने वापस से बैक आ जानी है, हमारी DPI वाला फोल्डर सेव हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने ऊपर की साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन शो हो रहा है, जिसे आपको सिंपली से टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री फायर वाली फाइल को दोबारा से ओपन कर लेना है। जैसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फ्री फायर लैक्स, मीरा एमबोट और सेंसी प्रो की तीन फाइल नजर आ रही, जिनमें से आपको सबसे पहले मीरा एमबोट वाली फाइल को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी या कट कर रहा हूँ, आप लोगों ने मैंने कट कर रहा हूँ। आप लोग कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो। ऊपर की साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपके यहाँ पे डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। अगर आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको डाटा का फोल्डर मिल जाएगा, जैसे वो सामने मुझे डाटा का फोल्डर नजर आ रहा है, आपको सिंपली से इस पे टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे com.dts फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे एक फाइल का फोल्डर मिल जाएगा, जिस पे आपको सिंपली से टैप कर देना है। फाइल्स के फोल्डर पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कंटेंट की कॉन्फिग और IF2 वाला फोल्डर मिल जाएगा, जिस पर आपको कॉन्फिग का फाइल सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये फाइल यहाँ पे पेस्ट करनी है। जैसे आप ये फाइल पेस्ट करोगे तो आपको ये वाला एमबोट भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली से ऊपर की तरफ क्लिक करना है। ऊपर की तरफ क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मेमोरी में आ जाएं। डिवाइस मेमोरी में जैसे ही आप आओगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको फ्री फायर की कॉन्फिग दोबारा मिल जाएगी, जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर फिक्स लैग और सेंसिटिविटी नॉट गोल्ड वाली फाइल्स दोनों नजर आ जाएंगी, जिनमें से आपको यहाँ पर सेंसिटिविटी वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से कट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर
आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ से कट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऊपर की साइड पर क्लिक करोगे तो डिवाइस मेमरी का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। मैं यहाँ से डिवाइस मेमरी में आ गया। डिवाइस मेमरी में आने के बाद आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड का फोल्डर मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। मुझसे यहाँ से गलती से डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे एंड्रॉइड के फोल्डर को टैप करना। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे डाटा का फोल्डर मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप डाटा के फोल्डर पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ कोमडो डीटीएस फ्री फायर के फोल्डर में वापस से आ जाना है। जैसे आप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स का एक फोल्डर मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप ये टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक IF2 का फोल्डर मिल जाएगा, I2 ऐप का। आपने इस पर क्लिक करना, क्लिक करेंगे और EDC वाले फोल्डर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मोनो का ऑप्शन नजर आएगा जिस पर आपको सिंपली से यह फाइल को पेस्ट कर देना है। जैसे आपकी ये फाइल पेस्ट होगी तो आपका यहाँ से ये भी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको ऊपर की साइड पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस मेमरी का ऑप्शन शो हो रहा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप ये टैप करोगे, टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। मैं यहाँ से एंड्रॉइड का मुझसे फोल्डर गलती से टैप हो गया तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मुझे दोबारा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फ्री फायर मैक्स की यहाँ पे फाइल दोबारा आ जाती है हमारे सामने। तो हमने सिंपली से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये फिक्स लैग प्लस बूस्टर है, इसको आपने यहाँ से कट कर लेना है। इससे आपको ये होगा कि गेम को आप ये लैग नहीं होगी, तो जो सी है सेंसिटिविटी के साथ भी गेम भी लैग नहीं होगी। तो आप इसे ऊपर की साइड पर क्लिक करना। ऊपर की साइड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एंड्रॉइड का फोल्डर मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा का फोल्डर मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे आप ये डाटा के फोल्डर पर टैप करोगे तो आपको सामने com.dts को फ्री फायर का फोल्डर मिल जाएगा जिसको आपने यहाँ से वाइड कर लिया। मैं यहाँ से डाटा के ऑप्शन पर टैप करूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे com.dts फ्री फायर का फोल्डर मेरे सामने आ जाएगा जिसमें मैं सिंपली से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स का फोल्डर मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक कंपलसरी कॉन्टेंटी का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कॉन्टेंटी का फोल्डर पर टैप करोगे तो यहाँ पे कंपलसरी का फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आपको ये फाइल पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आपकी फाइल पेस्ट हो जाएगी तो आपका यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ से फाइल को पेस्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।